दोस्तों आज मेटल इंडस्ट्री पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बैकबोन है। इसकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कैपेबिलिटी ने इसे हमारे लिए इतना वैल्यूएबल बना दिया है। इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, एरोस्पेस और स्मार्टफोन्स जैसी टेक्नोलॉजी अभी इतना ग्रो नहीं कर पाती। यहाँ तक कि बेसिक नेसेसिटीज भी बिना इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन के पूरी नहीं हो पाती, जो कि पॉसिबल हो पाया मेटल वायर्स का यूज़ करके। दोस्तों मेटल अपने अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल वैल्यू रखती है, मतलब इसका सही जगह इस्तेमाल हमारे लिए बहुत यूज़फुल साबित होता है। इसी फंडामेंटल के ऊपर आज पूरी मेटल इंडस्ट्री खड़ी है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे मेटल्स का इस्तेमाल अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है, जिसकी कई प्रोसेस में से एक प्रोसेस का नाम फॉर्मिंग है। मेटल फॉर्मिंग के कुछ मेजर टाइप्स हैं, जैसे कि हाइड्रोफॉर्मिंग, एक्सप्लोजिव फॉर्मिंग, थर्मो फॉर्मिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग, रोलिंग, फोर्जिंग एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसके बने प्रोडक्ट्स हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। नंबर वन, हाइड्रोफॉर्मिंग, जिसके नाम से पता लगता है कि इसमें पानी या किसी लिक्विड का यूज़ किया जाता है। दोस्तों किसी भी मेटल की शेप बदलने के लिए हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, और इसी फोर्स को अप्लाई करने के लिए हम पानी या किसी लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोफॉर्मिंग के अंदर। इसकी एक वजह यही है कि इसमें अच्छी तरह से फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो कि किसी और टूल या फिर किसी हथौड़े का इस्तेमाल करके हम नहीं कर सकते। इसमें हम लिक्विड का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वो मेटल को डिफॉर्म कर देता है, और इसका सही जगह इस्तेमाल करके हम डिज़ायरेबल प्रोडक्ट बना लेते हैं। इस प्रोसेस का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिसकी रिसर्च और डेवलपमेंट इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि गाड़ी के कंपोनेंट्स कितने ज़्यादा हल्के होने के साथ साथ मजबूत भी हैं। दोस्तों आपने स्ट्रीट पोल्स तो देखे ही होंगे, उन्हें खोखला बनाया जाता है क्योंकि उनके लिए रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ पूरी हो जाती है उनके हल्के रहने में ही। और इसी जैसे कई सारी एप्लीकेशन है हाइड्रोफॉर्मिंग की। थर्मोफॉर्मिंग, इस प्रोसेस के अंदर हम हीट का इस्तेमाल करते हैं। हीट की मदद से हम मेटल को थोड़ी देर के लिए अल्टर कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ी देर के लिए चेंज कर देते हैं। सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि इंटर एटॉमिक लेवल पे भी हम उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस को ले आते हैं, जैसे कि उसकी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी फ्लूइडिटी, शेपेबिलिटी, रिजिडिटी, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसकी एप्लीकेशंस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑलरेडी हीटेड मटेरियल के ऊपर, जैसे कि मेटल, जो कि अपनी इस स्टेट में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं डिफॉर्मेशन के लिए, जिससे कि हमारा मेटल प्रोडक्ट्स बनाना बहुत आसान हो जाता है। और इसका एक प्रोडक्ट हमारे घर के बर्तन भी है, जो कि इसी प्रोसेस से फॉर्म हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग, जैसा कि नाम से पता लगता है कि हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं मैग्नेट्स का। ये प्रोसेस भी सिमिलर है थर्मोफॉर्मिंग और हाइड्रोफॉर्मिंग की ही तरह, फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर हम फोर्स अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। रोलिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज में। इस प्रोसेस में हम रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं प्रेशर अप्लाई करने के लिए मेटल्स के ऊपर। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है मेटल फॉर्मिंग के अंदर, जिसके रोलर के एक साइड में मेटल जाता है और दूसरी साइड में एलोंगेटेड फॉर्म में वापस आ जाता है। इस तरह से मेटल को स्ट्रेच करके मेटल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मेटल वायर्स, बीम्स और मेटल शीट्स, जिसका इस्तेमाल हर तरह की इंडस्ट्रीज में होता है। रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम बहुत सारे तरीकों से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि 3 हाई रोलिंग मिल, जिसमें हम एक साथ 2 मेटल्स को प्रोसेस कर सकते हैं एक ही वक्त में। दोस्तों रोलिंग का प्रोसेस करने वाली मशीन को हम रोलिंग मिल कहते हैं। 4 हाई रोलिंग मिल्स, ये भी बाकी रोलिंग मिल्स या फिर रोलिंग मशीन्स की ही तरह है, बस इसमें एक खास तरह की मॉडिफिकेशन यही है कि इसे ज़्यादा फोर्स जनरेट करने के लिए बनाया गया है, जो कि इस्तेमाल होता है कुछ खास तरह के हार्ड मटेरियल्स में। ये बैकअप रोलर्स इसे एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करते हैं। क्लस्टर हाई रोलिंग मिल्स, इसमें भी सेम प्रिंसिपल यूज़ होता है बैकअप रोलर्स का, पर इसमें एक से ज़्यादा बैकअप रोलर्स यूज़ किए जाते हैं कुछ खास तरह के बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल्स के लिए। दोस्तों इस तरह के जितने भी प्रोसेस हैं उन सब का एक सिंगल पर्पस यही है कि अलग अलग तरह से फोर्स अप्लाई करके प्रोडक्ट बनाना। एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग, फोर्जिंग और एक्सट्रूजन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें।